रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अभी तो चल रहा है ईद का सिलसिला, तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। चिकन के साथ बना रही हूँ मैं। ज़्यादातर लोगों को पसंद है ये करेले गोश्त, और ज़्यादातर लोग पसंद भी नहीं करते इसको, इसकी कड़वाहट की वजह से। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल ये कड़वे नहीं होंगे। आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ना बिल्कुल कड़वे नहीं है करेले, जायका बहुत अच्छा होगा इसका इंशाल्लाह। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज हमने जो अजवा इसके लिए चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ ली है चिकन, हाफ के जी चिकन है मेरे पास। प्याज ली है मैंने, 5 से 6 अदद प्याज है मेरे पास, दरमियाने साइज़ की, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी, दरमियाने साइज़ की प्याज थी। और जो मसालों में जाएंगे अजवा वो है, हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून, धनिया लिया है 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च ली है 1.5 टीस्पून, और ये मिक्स गरम मसाला है जिसमें 4-5 लौंगें हैं, 4-5 काली मिर्च हैं, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और ये बड़ी इलायची है दालचीनी के, ये 2 टुकड़े हैं। नमक है हसबे ज़रूरत, अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, और ये है मेरे पास टमाटर की प्यूरी, ये फ्रीज हुई हुई थी। शुरू करते हैं। हमें ये सारी प्याज अभी इस्तेमाल नहीं करनी है, अभी मैं थोड़ी सी प्याज लूँगी, सिर्फ इसमें गोश्त को फ्राई करूँगी इस प्याज के अंदर। फिर मैं अलग से, जब करेले मेरे एक साइड पे अभी रखे हुए हैं, मैंने नमक लगा के रखा है करेलों को, मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया है करेले को नमक लगा के रखे हुए। तकरीबन इतनी ही देर आप रखिएगा, उसके बाद जब उसको 1-1.5 घंटा गुजर जाए तो अपने हाथ से दबा के इसका रस निकालिएगा अच्छे तरीके से, फिर इसको वॉश कीजिएगा। फिर हम इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद फिर इसको साफ़ पानी से धोकर फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, देन गोश्त में जब डालूँगी मैं इसको। तो अभी हम शुरू करते हैं। अभी मुझे थोड़ी प्याज चाहिए, तकरीबन 1 प्याज के करीब मुझे प्याज चाहिए, और ऑयल भी अभी थोड़ा जाएगा इसके अंदर, ऑयल जाएगा तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और ये प्याज डाल दूंगी ऑयल के अंदर, तो फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर मैं गोश्त डाल के फ्राई करूंगी। और ये तमाम गरम मसाला भी मैं प्याज के अंदर डाल रही हूँ। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अब मैं इसमें ही गोश्त डाल रही हूँ। लाल पिसी मिर्च 1.5 टीस्पून ली थी हमने, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ली थी 1/2 टीस्पून हमने, नमक लिया है अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक ज़रा कम रखिएगा क्योंकि करेलों में भी नमक लगा के रखा है आपने। खटास के लिए यहाँ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 कैरी, जब ये पक जाएगा तब मैं इसमें कैरी ऐड करूँगी करेले के साथ। जो लोग कहते हैं कि हम नहीं खाते करेले, वो भी खाएंगे इसको। तकरीबन ये 2 से 3 टमाटर की प्यूरी है, ये
तो चिकन हमारी गल चुकी है, मैं इसको भून रही हूँ मसाले को, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे ही भूनेंगे। दूसरी साइड पे मैंने पैन रख दिया है, उसके अंदर करेले उबालने हैं मैंने। करेले हैं मेरे पास, मैं धो के उसको अच्छी तरीके से हाथ से मैं दबा के, मैंने ऐसे हाथ में दबा के इसको निचोड़ा है, बहुत सख्त दबाना है इसको, इसमें जितना भी कड़वा पानी होगा वो सब निकल जाएगा। तो ये मैंने सब कर लिए हैं ऐसे ही, अब मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल यहाँ तक करना है कि ये गल जाए। मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ कट करके। इसको मैं उतार लूँगी, फिर बाद में जब करेले इसमें डालूंगी तो फिर मैं इसको वापस चूल्हे पे रखूंगी। करेले बॉयल हो रहे हैं हमारे, अच्छे से बॉयल हो जाएंगे यहाँ तक कि गल जाएं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तकरीबन एक कप के करीब तेल डाला है। इसमें मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी जो हमने काट के रखी हुई है सारी, 4 से 5 अदद प्याजें नहीं, दरमियाने साइज की, एक प्याज के करीब मैंने इसमें तो उठा लिया था। अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए करेला हमारा ये गल चुका है, तो इतना पकाना है कि ये गल जाए। अब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ अभी, फिर तो उसके बाद करेले को फ्राई करके निकालूंगी, फिर गोश्त में मिक्स करेंगे हम इसको, दिखाते हैं फिर आपको करके। प्याज हमारी फ्राई होने लगी है, मैं इसको निकाल के इधर शिफ्ट करूँगी चिकन के अंदर। मैं इसमें इसी में करेले डाल दूंगी। ये तो करेले भी तैयार हो चुके हैं हमारे, करेले फ्राई हो गए हैं, इनको भी मैं इधर चिकन के अंदर शिफ्ट करूंगी। अब ये रेडी हो जाता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसके अंदर मैंने करेले और प्याज डालने के बाद कैरी डाली है ऊपर से, ये जो आपको नज़र आ रही है सफेद सफेद ये कैरी है, कैरी डाली है और 1/2 टीस्पून सौंफ दरदरी कूट के ऊपर से डाली है। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तैयार हो चुकी है चिकन हमारी, करेला, चिकन। मैं आपको अब ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून गरम मसाला इसमें जाएगा। तैयार है हमारा करेला चिकन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।